हम अक्सर देखते हैं कि कई बार कुछ लोगों के पैर में एंटन अचानक उत्पन्न हो जाती है। उस समय उस एंटन या यूं कहें कि उस क्रेम का दर्द असहनीय होता है। इस प्रकार का असहनीय दर्द एंटन या क्रेम्प अचानक मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन यानी कि खिंचाव की वजह से होता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजकुमार बारोड़िया। पिंडली में अचानक आने वाली ये एंटन कई बार पीड़ित को रात भर परेशान कर रही है, उसे हिलने डुलने भी नहीं देती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पैर में एंठन किसे होती है, पैर में एंठन के लक्षण, कारण, पैर की एंठन में कौन कौन सी जांचें की जाती है, पैर की एंठन को तुरंत कैसे हम रोक सकते हैं और इसका पक्का इलाज क्या है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई वीडियो लेके आऊंगा जिनसे आप अपनी बीमारी को समझ सकेंगे और उसका इलाज भी दोस्तों अच्छे से करवा सकेंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छी जानकारी से आपको फायदा होने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो को आप जरूर देखें। जब हम रात को सो रहे होते हैं और नींद में करवट बदलते समय या पैर को मोड़ते समय अचानक भयंकर दर्द उत्पन्न होता है और हम पैर को बिल्कुल भी नहीं हिला पाते हैं, क्योंकि उस समय पैर की मसल्स में भयंकर ऐंठन होती है। ये ऐंठन अक्सर पिंडली यानी कि काफ मसल्स को निशाना बनाती है, लेकिन जांघों और पैरों की मांसपेशियों में भी आ सकती है। रात के समय पिंडलियों में अचानक उत्पन्न होने वाले ऐंठन या मरोड़ उत्पन्न होने के पीछे जो वजह है वह है मांसपेशियों की थकान, शरीर में पानी की कमी, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी और कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं उनकी वजह से भी होता है, और जो बेड ब्लड सर्कुलेशन है यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है उसकी वजह से भी होता है, और कई बार जो नर्व का पेन होता है उसकी वजह से भी होता है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, आपकी जानकारी आपके परिवार व रिश्तेदारों के लिए दोस्तों बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पैर में ऐंठन किसे होती है। दोस्तों, पैर में ऐंठन बहुत ही कॉमन है और किसी को भी प्रभावित कर सकती है, लेकिन ऐंठन ओल्ड पर्संस, प्रेग्नेंट लेडीज और खून की कमी वाले लोगों में बहुत ही सामान्य तौर पर देखी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पैर में ऐंठन उत्पन्न होने पर क्या लक्षण प्रकट होते हैं और किस कारण पैर में ऐंठन उत्पन्न होती है। दोस्तों, पैर की ऐंठन अचानक मसल्स के दर्द और खिंचाव के रूप में प्रकट होती है, जो कुछ सेकंड से लेकर कई मिनट तक रह सकती है। दोस्तों, पैर की ऐंठन का सटीक जो कारण है वह मेडिकल साइंस में भी आज की तारीख तक अज्ञात है, लेकिन मांसपेशियों की थकान, डिहाइड्रेशन और विटामिन्स मिनरल्स की कमी को ही इस ऐंठन का सबसे बड़े कारण के तौर पर देखा जाता है। अगर आप हार्ड फिजिकल वर्क करते हैं तो भी आपको ऐंठन आ सकती है। दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई फिजिकल शारीरिक श्रम करते हैं जिससे आपकी पैरों की मांसपेशियां ज्यादा काम आ रही हैं, तो मसल्स की थकान की वजह से ऐंठन दोस्तों उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, लंबे समय तक खड़े रहने या चलने से भी लेग्स की मसल्स में ऐंठन आ सकती है और आपको दर्द उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, डिहाइड्रेशन, दोस्तों अगर आप पानी कम पीते हैं और
तरल पदार्थों का सेवन कम करते हैं तो रात के समय पैरों में ऐंठन का कारण बन सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों के शरीर में निश्चित मात्रा से कम होने के कारण भी मांसपेशियों में दोस्तों ऐंठन उत्पन्न हो सकती है और आपको दर्द हो सकता है और क्रैम्प आ सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी मेडिसिंस हैं जैसे कि डायूरेटिक मेडिसिन, स्टेटिन, एस्थमेटिक मेडिसिंस जैसी कुछ मेडिसिंस के साइड इफेक्ट की वजह से भी दोस्तों पैर में ऐंठन होती है। कुछ बीमारियां, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज और खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी पैरों की मसल्स में दोस्तों ऐंठन उत्पन्न होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जांचें हैं जिनको करवाने से बीमारी के कारण का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों सबसे पहले डॉक्टर मरीज को फिजिकली चेक करते हैं और उसे शारीरिक रूप से चेक करके बीमारी का कारण पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर मरीज के दर्द और ऐंठन के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं जैसे कि ऐंठन दिन में कितनी बार होती है और किस प्रकार के दर्द के साथ ये ऐंठन उत्पन्न होती है और कितने समय में आप ऐंठन से पीड़ित होते हैं, आप कौन कौन सी ऐसी मेडिसिंस ले रहे हैं और कौन कौन सी आपको आप बीमारियों से ग्रसित हैं। ऐसे कुछ सवाल पूछने के बाद डॉक्टर फैसला करते हैं कि मरीज को कौन सी जांच करवानी चाहिए। फिर इलेक्ट्रोलाइट की जांच करवाते हैं, किडनी की जांच भी करवाते हैं दोस्तों, थायराइड की भी जांच करवाई जाती है और नर्व्स की भी जांच करवाई जाती है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट भी करवाया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि नर्व्स की वजह से तो ये दर्द नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पैर की ऐंठन को तुरंत कैसे रोक सकते हैं। जब पैर में दर्द या ऐंठन होती है तो हमारा लक्ष्य यह होता है कि दर्द और परेशानी को हम कैसे कम करें। दोस्तों ऐसे कई तरीके हैं जिनको उपयोग में लेकर दर्द और ऐंठन से तुरंत आराम पाया जा सकता है। दोस्तों पहला तरीका है मालिश। अपने हाथों से ऐंठन वाली मांसपेशियों को धीरे धीरे मालिश करें, ये मांसपेशियों को आराम देने और पैर की ऐंठन को कम करने में मदद कर सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ऐंठन आए तो आप मालिश करें, उन मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करें। दोस्तों दूसरा तरीका है स्ट्रेचिंग। प्रभावित मसल्स को धीरे धीरे से स्ट्रेच करें और उदाहरण के लिए यदि ऐंठन आपकी पिंडली में है तो अपने पैर को ऊपर की ओर मोड़ें, जब तक ये ऐंठन कम न हो तब तक उसमें खिंचाव बनाए रखें, यानी कि मांसपेशियों को स्ट्रेच करना आपको यह पैरों की ऐंठन में तुरंत छुटकारा पाने की तकनीकों में से एक है। यह दौड़ते समय पैर की ऐंठन से बचने में भी अगर आपकी मदद कर सकता है। इसलिए दोस्तों मसल्स को आपको स्ट्रेच करके रोक के रखना है, स्ट्रेचिंग करनी है। दोस्तों दर्द और ऐंठन को तुरंत खत्म करने का जो तीसरा तरीका है वह है गर्म सेक करें। ऐंठन वाली मांसपेशियों के ऊपर गर्म सेक करें या हीटिंग पैड लगाने से भी मांसपेशियों को आराम मिलता है। दोस्तों दर्द और ऐंठन को खत्म करने का चौथा तरीका है अपने आप को हाइड्रेट रखना। दोस्तों यदि आप पानी कम पीते हैं तो यह ऐंठन डिहाइड्रेशन की वजह से ही है। डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए एक गिलास पानी या इलेक्ट्रोलाइट वाला स्पोर्ट्स ड्रिंक जरूर पिए। रात को पार्टी करने और शराब पीने के दौरान भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि शराब पीने के बाद पैरों में होने वाली ऐंठन को रोका जा सके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। दोस्तों दर्द और ऐंठन को तुरंत खत्म करने का जो पांचवा तरीका है वह पेन किलर ऑइंटमेंट और ऑयल।
ओवर द काउंटर दर्द निवारक क्रीम या जेल, जैसे दर्द निवारक जैसे कि मैंथोल, कैप्सिकम युक्त जो क्रीम आती है पेन किलर, उसको प्रभावित अंग क्षेत्र पर लगाया जा सकता है। ये एक आपको वैकल्पिक अनुभूति देती है और मदद करती है आपके दर्द को, ऐंठन को तुरंत छुटकारा देने के लिए। दोस्तों, दर्द और ऐंठन को तुरंत खत्म करने का जो छठा तरीका है वह है पेन किलर मेडिसिंस। दर्द और ऐंठन गंभीर होने पर आइबुप्रोफेन यानी आइबुप्रोफेन जैसी दर्द निवारक दवाइयां ले सकते हैं। एसिटामिनोफेन जैसे ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाइयां आपको राहत दे सकती है दोस्तों, इसलिए आप दर्द निवारक दवा भी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐंठन का इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, कभी कभार होने वाली ऐंठन के लिए आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। अच्छी तरीके से आपको हाइड्रेट लेना और पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम से भरपूर संतुलित आहार अपनी डाइट के अंदर बनाए रखना दोस्तों बहुत ही अति आवश्यक है। अधिक गंभीर या लगातार मामलों में हमेशा अगर आपको लंबे समय से बहुत ज्यादा ऐंठन होती है और आपकी ऐंठन बहुत ही ज्यादा है तो तुरंत हमेशा अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। इस प्रकार की ऐंठन को खत्म करने के लिए डॉक्टर आपको मांसपेशियों को आराम देने वाली कुछ ऐसी विशेष दवाएं हैं वह आपको देते हैं। यदि आपके पेट की ऐंठन और तीव्र और बार बार होती है तो मांसपेशियों के संकुचन को कम करने के लिए मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं कुछ समय तक लगातार डॉक्टर आपको देते हैं। आपको कुछ समय तक लगातार वह दवाइयां मसल रिलैक्सेशन जो टेबलेट्स है उनको आपको यूज करना चाहिए डॉक्टर के सलाह के अनुसार। दोस्तों, ऐंठन को खत्म करने के लिए फिजियोथेरेपी चिकित्सा किसी वरदान से कम नहीं है। विशेषज्ञ आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको कुछ विशेष एक्सरसाइज करवाते हैं जिनको लगातार करने से आपकी ऐंठन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और अत्याधुनिक तकनीक जैसे कि मैनुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी द्वारा इलाज कर आपको आपके दर्द और ऐंठन से दोस्तों मुक्ति दिलाई जा सकती है। दोस्तों, यदि पैर की ऐंठन किसी बीमारी की वजह से है जैसे कि डीबीटी, डायबिटीज या कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज है तो इन बीमारियों का इलाज करके भी ऐंठन से दोस्तों मुक्ति दिलाई जा सकती है। यानी कि आप हमेशा ऐंठन से मुक्त हो सकते हैं अगर आपको ये बीमारियां हैं, बीमारी का पता चल जाए। दोस्तों, कुछ एक डीबीटी या न्यूरोलॉजिकल डिजीज के मामलों में सर्जरी करके भी आपको अपने जो ऐंठन है, क्रैम्प्स है, उससे मुक्ति दिलाई जा सकती है। दोस्तों, यह थी संपूर्ण जानकारी पैर में अचानक उत्पन्न होने वाले दर्द और ऐंठन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।